So information एड एडवाइस ऑफ दैन और इवन फाइव ईयरस एगो इज़ ओवरटेकन तो क्या करना चाहिए कि कोई इन्फॉमे अगर ऐसी कोई मसला है ऐसी कोई परेशानी है तो उसके बारे में पहले तो ये कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से लेने चाहिए ये क्या तकलीफ है क्या डेफिशेंसी है कब तक बरकरार रहेगी और अगर पाँच साल से ज़्यादा अरसे तक किसी न किसी तरह से है तो उसका मुसलसिल जो है वो फॉलोअप होते रहना चाहिए

हेल्थ केयर पर्सन जो है वो ये बताता है कि ये एक ख़ास डेफिशिएंसी है और इस डेफिशिएंसी को किस तरह से डील करना है यानी इसको किसी खास तरीके से डील करना है इधर मेडिसिन से या किसी थेरेपी से तो उनको हिस्सा बनना चाहिए उस सारी चीज़ का उसको कबूल करना चाहिए ना कि उसको वो डिनाई करें और फिर ये कि अगर कोई स्ट्रेटजी इस तरह की बताई जाती है तो फिर उस पर उसी तरह से अमल करना चाहिए अब जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो डेफिशंसीज़ uh, हैं ये कई तरह की हैं कुछ तो पैदाइश से पहले की और कुछ जो है वो पैदाइश के बाद भी हो सकती हैं जैसे सार्बरल पालसी जो है ये पैदायश से पहले का एक फिनना है इन विच द ब्रेन इज़ फेलिंग टू सेंड द अप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू द लिम्स अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो उनकी मसल ब्रेन कोआर्डिनेशन बड़ी वीक हो जाती है क्योंकि सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं ना ब्रेन को तो फिर वो बच्चा अपने अज़ा को अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकता और इस तरह से एक माजूरी आ जाती है या डिसबिलिटी आ जाती है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी एक बीमारी का बच्चा यानी ये सैरबुलर पालसी है ये इसका बच्चा एक ख़ास चीज़ कर सकेगा और ख़ास नहीं कर सकेगा देखिए इसके डिफरेंट शेड्स हैं कहीं ज़्यादा हो सकती है कहीं बिल्कुल मामूली सी और अगर इतनी मामूली हो जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो आप स्पेशल एजुकेशन के थ्रू खा आप इसको इंक्लूजन लिए कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है तो हम उसको करेंगे फिर डाउन सिंड्रम है द कंडीशन सम्रिंग्स एसोसिएटेड फिजिकल डिसबिलिटीज देखिए जो डाउन सिंड्रम है इसमें कहीं ना कहीं आ, बच्चे की जो बिफोर बर्थ ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होता है हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विच मे रिक्वायर सर्जरी और डिफिकल्टीज विथ ही एंड वी एन तो ऐसी सूरत में जब शुरू में ग्रोथ के प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ भी हो सकता है ब्रेन रिलेटेड भी हो सकते हैं और ये मसल रिलेटेड भी हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम का ये है कि जब बच्चा पैदा ही होता है तो उसके जो नकूश हैं वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं कभी तो सिर्फ ओंट कटा हुआ है या जो उसके गले का जो फैरिंग्स है वो थोड़ा सा क्रैक है उसमें कोई सुराख है या समटाइम्स फिर जब वो अपनी शिद्दत पे आता है तो हार्ट के अंदर भी कई दफ़ा वो कहते हैं दिल में सुराख हो सकता है तो डाउन सिंड्रोम एक खतरनाक बात है लेकिन जब अल्लाह की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो उसको समझना और फिर जो हम उसके लिए कर सकते हो करना जरूरी है देन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अब ऑटिज्म जो है ये बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर पाई जाती है इसकी वजह यह है कि हल्का फुल्का कहीं भी अगर माँ के पेट में कोई डिसऑर्डर बच्चे के अंदर रह जाए तो उसकी जो हरकत सकनात हैं वो नॉर्मल नहीं रहती या वो आम बच्चों से थोड़ा तेज़ हो जाती हैं हाइपर एक्टिव हो जाते बच्चे या आम बच्चों से थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं और ज़ाहिर है जब पूरा ब्रेन उस तरह से रैपिडली ब्रिस्कली और एक्टिवली काम नहीं कर सकता तो बाकी सारे मसल्स भी बॉडी के और जो बॉडी फंक्शंस हैं और जो मेंटल फंक्शंस हैं वो सब के सब इससे मुतासर होते हैं दिस कंडीशन इज़ ब्रॉडली अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स हाउ अ child's ब्रेन फंक्शन मतलब दिमाग इस वक्त क्या कर रहा है तो सूरत हाल ये है कि हमें यह समझना है ये तो सिर्फ हमने तीन चीज़ें मैंशन की हैं देर आर लॉट ऑफ congenital डिजीजेज़ जो बच्चे को पैदा इससे पहले हो सकती हैं अल्लाह माफ़ करे बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में कोई भी डिसबिलिटी पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोस जो है वो जरूरी है कोई भी बच्चा जब पैदा होता है बार बार उसको देखा भाला जाए उसके नॉर्मल फंक्शनस को और ख़ुदा न खास्ता कहीं भी कोई कमी कोताही नज़र आती है तो ख़ास तौर तो पर उसका मुआयना करवाया जाए ताकि उसकी जो परेशानी है या डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए एक दफ़ा जब चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो फिर उनके इलाज के अंदर हमें बहुत सी सहूलियात जो है वो मिल भी सकती हैं और हम ख़ुद भी कोई ना कोई, कोई कोशिश उसके लिए कर सकते हैं